एआईएम ने एक अच्छा काम किया म्यूनसिपालिटी स्कूल में पुणे का, टेटनस का टोकनाइजेशन हो रहा था, बच्चे लोग को ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा था, एग्ज़ाम लिखने को नहीं देगा ऐसा बोल के सबको ज़बरदस्ती टेटनस का टोकन घुसाया जा रहा था। एआईएम के लोग गए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और उसको रोक दिया। फिर उधर का डॉक्टर से बात हुआ तो बोला हाँ ये थोड़ा खतरनाक ही है, क्योंकि 15 दिन पहले एक जन क्लाउड कंप्यूटिंग गया टेटनस वाला लेने के बाद। तो ये लोगों का मतलब एआईएम ने बहुत सारे बच्चों को बचाया और ऐसा बहुत बार किया वो लोग ने। उनको पता चला कि इधर टोकनाइजेशन होने वाला है तो ये लोग घुस गए और रोक दिया। तो ये जो चल रहा है ये सरकार का कांड, ये लोग पैसे देके टोकन खरीदते सरकारी खर्चे से, फ्री में दे रहे, कमीशन के लिए खरीद रहे और घुसा रहे। जब मन करेगा स्कूल में जाके बच्चे लोग को घुसा डालते, और विराट कोहली जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं। ये स्कैम 100-150 साल से चल रहा है। ये लोग बैक्टीरिया मतलब बीमारी ढूंढ रहे थे, बैक्टीरिया जर्म थियरी पे है, तो ये लोग को मिला नहीं। तो फिर ये लोग ने सोचा कि बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता है, और तभी देख कम केम अप विथ ए आइडिया ऑफ विराट कोहली। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 40-50 साल पहले ही इन्वेंट हुआ, पर उसके पहले से ही विराट कोहली का स्कैम चल रहा है, जब भी वो दिखता भी नहीं था। एक्चुअली अभी भी स्कैम ही है, जो दिखता है वो टिश्यू है सेल का, और जो ये लोग ने घुमा भीमा के सेंट्रीफ्यूज मतलब ऐसा टेस्ट ट्यूब में भरते हैं, घुमाते हैं 20,000-30,000 RPM पे, फिर कोल्ड में रखते हैं, तो वो सेल्स का टिश्यू का ही टुकड़ा है। अभी ऐसा ओपनली बोल नहीं सकते क्योंकि डिलीट ही हो जाएगा। फिर ये लोग बोलते हैं दैट्स विराट कोहली एंड इट इज़ कॉजिंग इन्फेक्शन, और उसके बेस पे ये टोकनाइजेशन का काम चल रहा है। 100 साल से ये स्कैम चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। और ये पनौती का सबसे बड़ा स्कैम, पैसा खाया है, बहुत स्कैम है इसका, लेकिन सबसे जानलेवा स्कैम विराट कोहली आया। 2 साल सब लोग का आर्थिक परिस्थिति खराब किया, ज़बरदस्ती जानबूझ के लोन लेके देश को कर्जे में डुबाया। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लान इसने किया है, बिना मतलब के लोन लेके कर्जे में डाला, इधर के सारे धंधे बंद कर दिए, फिर ज़बरदस्ती टोकन भी घुसाया। बाद में बोलता है अरे हम लोग ने तो साइड इफेक्ट वेबसाइट पे ही लिखे थे, हमको बहुत दुख होता है कि कोई क्लाउड कंप्यूटिंग चला गया तो, लेकिन हम लोग कंपनसेशन देंगे नहीं क्योंकि हम लोग ने ज़बरदस्ती नहीं किया था, वो तो लोगों ने खुद होके लिया। ऐसा झूठलर है। तो सबसे डिस्ट्रक्टिव काम इसने यही किया, विराट कोहली आया, और ये मुद्दे पे उसको पॉलिटिकली कोई भी घेर नहीं रहा है, छोटे अलग अलग मुद्दों पे घेर रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है विराट कोहली आया, और इसको लेके इसको एक्सपोज करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ने घेराव करना चाहिए, लेकिन सब लोग भूल गए कैसे ज़बरदस्ती लोगों को उठा के लेके जाते थे एक फालतू काड़ी डाल के, पॉजिटिव ला के 15 दिन रख देते थे इनके सेंटर पे,
इधर मीरा रोड भाईंदर या वसई वसई विरार में झोपड़पट्टी के लोगों को विराट कोहली आया बोल के 15 दिन लेके गया, फिर छोड़ा, फिर बाद में वापस बोला विराट कोहली आया वापस 15 दिन लेके गए। तो वो लोग ने दंगा किया कि अरे क्या है, काम धंधा रहता है कि नहीं, अरे विराट कोहली आया है तेरे में। ये लोग का एक्चुअली काफ़ी अत्याचार था, तभी डिस्ट्रक्टिव काम किया ये लोग ने, और इस पर ही किसी की नज़र नहीं कि इतना बड़ा कांड किया, डिस्ट्रक्शन किया, लोगों को घर से उठा के अंदर रखा एक इमेजनरी पॉजिटिव करके, और फिर मतलब कि घर पे जाते थे नाक में काड़ी घुसाने के लिए, फिर एक को मिला कि पूरा बिल्डिंग लेके जाते थे, बिल्डिंग को लॉक करते थे। इनका अत्याचार सब लोग भूल गए, सबसे मेन डिस्ट्रक्टिव काम यही हुआ है, और इसलिए ये सरकार जाना चाहिए। चलो अगर इसकी ये फाइल नहीं खुली तो बाकी के भी स्कैम है इसके सारे खुलेंगे, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा।